बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नेम शहजाद मलिक। बायोलॉजी लेक्चर नंबर 13 है हमारे पास, क्लास 9th, चैप्टर 3। आज हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देखना है। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, के वैरायटी को मालूम करना, किसी की वैरायटी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। मेरे बच्चे, इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, तो हम जब डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को मालूम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक बायो, बायो में लाइफ जानते हैं हम, डाइवर्सिटी वैरायटी विद इन द स्पीशीज एंड अमंग द स्पीशीज। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका फैलाव कितना है। अगर हम उसमें का बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, फैलाव की, बायोडाइवर्सिटी की, वो अर्थ के ऊपर इक्वली नहीं है। तो मीन अर्थ के किसी पार्ट पे ज़्यादा, किसी पे कम, किसी पे कुछ। अब उसकी एग्जांपल इसमें उन्होंने दी हुई है कि उसने कहा जो बायोडाइवर्सिटी है आर रिचर इन ट्रॉपिक्स, जो ठंडे मोतरे इलाके होते हैं उनमें जो बायोडाइवर्सिटी वो ज़्यादा होती है। ये MCQs है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी है, टेम्परेट हैव मैनी स्पीशीज, फ्यूअर इन पोलर रीजन। अगर पोलर रीजन की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे कम पाई जाती है पोलर रीजन के अंदर। पोलर रीजन में कहाँ, जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह, आइस वगैरह होती है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे मोस्टली पूछता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, या वट इज़ या डिफाइन फ्लोरा एंड फाना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा मीन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। जब हम किसी प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं फ्लोरा। जब हम डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं फाना। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरा, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फाना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है फ्लोरा एंड फाना। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की, अब बात करते हैं एवोल्यूशन के, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की मेरे बच्चे बात करें इस अर्थ की, तो ये 4 मिलियन ईयर अगो की बात है। ये जो अर्थ है, रिजल्ट है, एवोल्यूशन की बात करें तो 4 मिलियन ईयर पहले एवोल्यूशन हो चुकी है इस अर्थ के ऊपर। अब कुछ जो एविडेंस हैं वो सजेस्ट करते हैं 6 ईयर अगो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वर इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मौजूद है, अगर हम 600 साल पहले चले जाएं तो ये ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म कहलाते थे, जैसा कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, उसने एग्जांपल दी है बैक्टीरिया की। उसके बाद मेरे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस, जो बायोडाइवर्सिटी है हमें फूड प्रोवाइड करती है। Many drugs are produced from living organism directly or indirectly. अब हम काफ़ी सारे drugs बनाते हैं, produce करते हैं, animal से भी, plant से भी, bacteria से भी और fungi से भी। Many industrial materials such as building material. अब ना सिर्फ हम drugs बनाते हैं बल्कि हम इससे fiber, dyes, resins, gums, rubber एंड ऑयल ड्राई फ्राम प्लांट्स। ये सारा का सारा जो मटीरियल है, बिल्डिंग मटीरियल, ये भी हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम। अब जो हम जानते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज आ जाती है, उस कम्युनिटी में कॉम्प्लेक्स कहीं सिंपल, तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है उस इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। इट रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो होने वाले रिएक्शन हैं या फिर केमिकल हैं उनको मेंटेन करना एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी बायोडाइवर्सिटी की एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है। इट इंश्योर वाटर सप्लाई, ये वाटर प्रोवाइड करती है। इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा मेरे बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब ये जो प्लांट्स एनिमल्स फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, जब उनकी डेथ होती है तो वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा अर्थ में मिक्सअप हो जाते हैं सॉयल के अंदर, तो ये रिसाइकलिंग कहते हैं इसको न्यूट्रिएंट्स की। इट प्रोवाइड फर्टाइल सॉयल, फर्टाइल किसे कहते हैं, फर्टाइल जरखेज को कहते हैं। इट्स मीन जिस सॉयल की पीएच नॉर्मल होगी
वहाँ पे हमें ज़्यादा शरह, हमें फसलें वगैरह ज़्यादा हमें काश्त होंगी, जहाँ फर्टाइल सॉइल की कम होगी वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। तो ये आज हमारे पास इम्पोर्टेंस था, ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 3 का। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो जावेद स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।